निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो, वापस करो। केजरीवाल हाय हाय, 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 केजरीवाल हाय हाय। निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो। निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस 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 करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार दोस्तों, हमारे द्वारका सेक्टर 12 में जहाँ पे आशीर्वाद चौक है, वहाँ पे जो निगम पार्षद है नीतिका शर्मा और उसके साथ और भी कार्यकर्ता है, और यहाँ पे जैसे कि दिल्ली सरकार पे जो आरोप लगाए जा रहे निगम के पैसों को लेके, तो हम बात करते हैं नीतिका शर्मा जी का क्या कहना है, जैसे कि यहाँ पे आज उपवास के लिए बैठे हुए हैं। नीतिका जी, जैसे हम देख रहे हैं आज लोग आप उपवास पे बैठे हुए हैं और जो दिल्ली सरकार है उस पे आरोप लगा रहे 13,000 करोड़ रुपयों का जी, आखिर क्या कहानी है ये? देखिए, पहली बात तो ये कि जब से 6 साल से केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, तब से निगम को उन्होंने पंगू बना दिया है। निगम हमेशा काम करना चाहता है, सबसे प्राइमरी काम ही निगम करता है, डेली की सफाई हर पहला छोटा काम निगम के द्वारा किया जाता है। अब कोरोना काल में भी कर्मचारियों ने अपनी जान पे खेल के सब लोगों की सेवा करी। कहीं पर भी सैनिटाइजेशन का काम होता था, कहीं पे भी छिड़काव का काम होता था, सफाई का काम होता था। जो कोरोना से ग्रसित थे उनका कूड़ा हमारे कर्मचारी उठाते थे, लेकिन अब ये हालात हैं कि निगम के कर्मचारियों के लिए को हम सैलरी कहाँ से दें, किस तरह से आगे का सुचारू करें। बात होती है जैसे अभी कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उल्टा MCD पे ही आरोप लगा दिया घोटाले का, क्या कभी इधर कभी उधर, आखिर बीच में बेचारा सफाई कर्मचारी पिसता जा रहा, उसकी सैलरी रुकती जा रही, तो असली सच्चाई आखिर कहां से पता चलेगी? जैसे कि आज जगह जगह BJP के जितने भी कार्यकर्ता है या निगम पार्षद है भी उपवास पे बैठे हुए हैं। आज पूरी दिल्ली में सारे निगम पार्षद उपवास पे बैठे हैं, क्योंकि हमारे मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और कुछ पार्षद केजरीवाल के निवास के बाहर बैठे हैं पिछले 10 दिन से। आप खुद समझिए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हमारी महिलाएं पार्षद अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए बैठे हैं कि उनकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए बैठे हैं कि उनको सैलरी दी जाए, ताकि उनका भी तो घर चले। वो कहाँ से घर चलाएंगे, थोड़ी सैलरी होती है और उनका डेली यहाँ पे आके सफाई करते हैं, किस तरह से वो अपना घर चलाएंगे? क्या और उपवास पे बैठने से दिल्ली सरकार पैसा देगी? देखिए, हमेशा केजरीवाल का काम क्या होता है, शुरू से जब से वो आए हैं धरना गुरु बने हुए हैं। हम उन्हीं की भाषा में उन्हें बताना चाहते हैं कि केजरीवाल जी लोगों की भलाई के लिए, हमारे कर्मचारियों की भलाई के लिए आप निगम का पैसा दे, जो बजट आता है उसको दे, क्योंकि जो टैक्स भरा जाता है उसका कुछ तिहाई हिस्सा दिल्ली सरकार के पास भी जाता है, तो वो हमें वापस दें, और ताकि हम निगम को अच्छे से चला पाएं और अच्छा काम कर सकें। आप बताइए, दिल्ली में आज तक कौन सा एक नया काम हुआ है, कौन सा नया फ्लाईओवर बन गया, क्या हुआ है, कौन सा नया कॉलेज बन गया? जो भी उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। सिर्फ इलेक्शन आते हैं तो बिजली का बिल हाफ कर देते हैं, पानी का बिल माफ़ कर देते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे। उसके अलावा बताइए आप कब होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जल बोर्ड में उन्होंने घोटाला कर रखा है, जनता उसे जानती है और वो उजागर करेगी कि किस तरह से केजरीवाल अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए MCD पे प्रत्यारोप कर रहे हैं। और अगर उनके पास कुछ ऐसा है तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं, वो दिखाएं, जिस तरह से वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लेके बैठ जाते हैं, तो दिखाएं कि MCD ने क्या भ्रष्टाचार किया है, क्या किया है, सामने आके बोलें। जिस तरह जो मुख्यमंत्री है वे कह रहे कि भाई जो हम पैसा देते हैं उसका हिसाब नहीं देती MCD, क्या ये सही है? देखिए, ये सब पेपर वर्क है, और जब केजरीवाल बोलेंगे हम लोग तैयार बैठे हैं उनसे मिलने के लिए, अपने ऑफिसर्स के साथ जाएंगे, पेपर पे पूरा चीज़ दिखाएंगे, हम बिना
प्रूफ के कोई बात नहीं करते हैं, केजरीवाल की तरह इस तरह नहीं करते कि किसी भी गवर्नमेंट पे आरोप कर दिया और उसके बाद फिर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाए थे, लेकिन उसके बाद किया क्या? कुछ नहीं, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ आरोप लगाना है और दूसरों को ब्लेम करते रहना है। अच्छा मैडम, जैसे आपने कहा कि जो आपके बड़े बड़े महापौर या जो बैठे हुए हैं केजरीवाल जी के बाहर बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो, जैसे किसान भी काफी दिन से बैठे हुए हैं, आखिर उन पे क्यों नहीं कुछ कार्रवाई हो रही, क्यों उनको समझा नहीं पाई बीजेपी? देखिए, पहली बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने कई बार इनिशिएट लिया। खुद हमारे गृह मंत्री पीयूष गोयल जी और तोमर जी, इन सब ने मिला किसानों से और उनसे बात करी और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि जो वो चाहते हैं वो होगा। ये होता है सच्चा एक नेता और एक लोगों के बीच में आने आके काम करने वाला, ना कि केजरीवाल की तरह कि वहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके उनके ऊपर कैमरे लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि नए कैमरे लगाने का क्या तात्पर्य है वहाँ पे? वहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, कई बार सब बैठे होते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो नए कैमरे वहाँ लगा रहे हैं। किस तरह से केजरीवाल गंदी राजनीति कर रहे हैं? डर है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में? डर है, बिल्कुल डर है। आने चुनाव, फिर दोबारा एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार डरी हुई है, इसीलिए वो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती है ताकि वो ब्लेम करे और जनता को ये झूठ पे झूठ, वो इतना झूठ बोलते हैं उन्हें लगता है कि जनता एक बार सच मान लेगी, तो इसीलिए उन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति करी है और झूठ की राजनीति पे चल रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली सरकार को, जिस तरह आज जगह जगह दिल्ली के अंदर उपवास पे बैठे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और निगम पार्षद या और भी अन्य पद अधिकारी? देखिए, हम बस यही कहना चाहते हैं, हम बड़े शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हैं, उपवास अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और हम यही कहना चाहते हैं केजरीवाल जी को कि आप हमारे एमसीडी का जो फंड है उसे दीजिए ताकि हम सुचारू रूप से काम कर सके, जिस तरह से हमेशा एमसीडी काम करती आई है। एक दिन भी सफाई नहीं होगी तो बताइए दिल्ली का क्या हाल होगा। हम चाहते हैं कि हमारे सारे सफाई कर्मचारियों को उनकी सैलरी दी जाए, और कोरोना काल में जो हमारे, मैं उन्हें शहीद ही बोलूँगी क्योंकि वो सेवा करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, उनको जो कंपनसेशन अमाउंट है वो दीजिए ताकि आगे उन लोगों की भलाई के लिए हम लोग बैठे हैं और अच्छे से एमसीडी का काम हो, दिल्ली का विकास हो। क्या ये उपवास एक दिन के लिए या फिर अनिश्चित काल के लिए चलेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होती? देखिए, इस चीज़ का हम सब बैठ के इस पे विचार करेंगे, लेकिन ये है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक केजरीवाल जी फंड नहीं देते हैं एमसीडी का। जैसे कि अभी हमने बात की निगम पार्षद नीतिका शर्मा जी यहाँ पे बैठी हुई है, उन्होंने क्लियर कहा कि जब तक दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी इसी तरह मांग उठवाई जाएगी और इसी तरह जगह जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या निगम पार्षद हो इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसे कि जिस तरह पहले वे भी धरने प्रदर्शन करते थे, उन्हीं के भाषा में जवाब देने की ये बात की जा रही, तो अब आगे देखते हैं कि दिल्ली सरकार कहीं ध्यान देती है कि नहीं, या फिर आरोप पे आरोप ही चलते रहेंगे। आजाद तोमर, हर खबर दिल्ली। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो। निगम के 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो। केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।